प्रदेश सरकार के राशन करीब 80,000 उचित दर विक्रेताओं कोटेदारों को गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सशक्तिकरण की डबल सौगात दी। कोटेदारों को CSC कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र के रूप में और सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जहां प्रदेश सरकार तथा CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU का आदान प्रदान हुआ, वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटेदारों के लिए राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 20 रुपए लाभांश वृद्धि की घोषणा भी की। कोटेदारों का लाभांश प्रति क्विंटल 70 से बढ़कर 90 रुपया हो गया है। इस लाभांश वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का वार्षिक व्ययभार पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश भर की सभी उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है। इससे कोटेदार और सशक्त बनेंगे और राशन वितरण के साथ अन्य सुविधाओं का लाभ आम जन को और तत्परता से प्राप्त होगा। योगीराज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में CM योगी ने कहा कि CSC के रूप में उचित दर की दुकानों के विक्रेताओं को सक्षम बनाने तथा लाभांश में 20 रुपए की वृद्धि प्रदेश के 80,000 कोटेदारों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का अभियान है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग कोटेदारों से खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद कई बार कोटेदारों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इस सोच में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से तकनीकी आधारित अभियान प्रारंभ किया गया। कोटे की दुकानों को तकनीक से जोड़ना वर्ष 2017 के पहले तक उत्तर प्रदेश के लिए सपना था, पर निर्धारित समय सीमा में 80,000 कोटे की दुकानों पर सरकार ने ई पास मशीन की सुविधा सुनिश्चित की। इसका परिणाम रहा कि कोरोना संकट काल में भी 15 करोड़ लोगों को बिना संकट राशन मिलता रहा। कोरोना के दौर में भी यूपी में कोटेदारों के सहयोग से जितनी अच्छी राशन वितरण व्यवस्था हुई है उसकी सर्वत्र सराहना की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पूरे देश में बेहतरीन है, हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। CM ने कहा कि तकनीकी को अपनाकर यहां के उन कार्ड धारकों को नेशनल पोर्टेबिलिटी से जोड़ा गया जो काम के चलते महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या अन्य राज्यों में हैं। इसका फायदा यह है कि किसी भी अन्य राज्य में रहने वाला यूपी का नागरिक अपने राशन कार्ड पर वहां खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। इस तरह अन्य राज्यों के नागरिक भी यूपी में खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। CM योगी ने कहा कि CSC से 80,000 कोटेदारों के जुड़ने से उनकी आय बढ़ेगी, अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इस CSC से मिलने वाली ई स्टैंप आय, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान, आधार, पैन कार्ड समेत अनेक सुविधाओं का लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की सभी 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक सुधार लाने को प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटे की दुकानों के CSC के रूप में सक्षम होने के साथ ही सरकार इनके जरिए बैंकिंग सुविधा के लोगों तक पहुंचाएगी। बैंकों के साथ MOU होगा। सरकार कोटेदारों के जरिए सामान्य नागरिक के जीवन में सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटेदारों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संकट में साथ खड़ा होने वाला ही सच्चा साथी होता है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में आप सबने देखा होगा कि किस तरह केंद्र व राज्य सरकार हर गरीब के साथ खड़ी रही। महामारी में जितनी मौत बीमारी से होती है उससे अधिक भूखमरी से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र व राज्य सरकार ने हर जरूरतमंद को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। CM योगी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में भी प्रदेश में 30 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश में 80 करोड़ तथा प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। सबसे बड़ा खाद्यान्न वितरण अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। दिसंबर 2021 से प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक भी मुफ्त मिल रहा है। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी मुफ्त दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जो सामान कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया गया है वह बेस्ट क्वालिटी का है। कोरोना संकट में जब प्रवासी कामगार वापस उत्तर प्रदेश आए जो सरकार ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया, उनके लिए 6 करोड़ से अधिक लंच पैकेट व पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाले अन्य राज्यों के लोगों को भी भोजन पैकेट व पेयजल उपलब्ध कराया गया। उन यूपी वासियों को जो किन्हीं कारणों से सक्षम नहीं थे उन्हें 15 दिन का राशन व 1,000 रुपया भत्ता भी प्रदान किया गया।
कोटेदारों को प्रोत्साहित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में अन्न को ब्रह्म माना जाता है और अन्न दान को सबसे बड़ा दान। राशन वितरण व्यवस्था में आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्न दान के हकदार बन जाते हैं। आपके लाभांश में की गई वृद्धि के साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर जब आप सीएससी से जुड़ेंगे तो आपकी आय भी काफ़ी बढ़ेगी। यह आपके श्रम और ईमानदारी की आय होगी। ईमानदारी की कमाई का अनुपम सुख होता है, जबकि बेईमानी से अर्जित आय को लेकर व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार आप कोटेदारों ने प्रशासन के साथ मिलकर निराश्रितों के घर तक राशन पहुँचाने में योगदान दिया है। सोचिए आपको कितना आशीर्वाद मिलता होगा। निराश्रित की मदद सेवा का परम धर्म है और यह आपको पुण्य का भागीदार बनाता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू एवं सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के स्टेट हेड अतुल राय ने एमओयू का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर स्वागत संबोधन प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती वीना कुमारी तथा आभार ज्ञापन खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने किया। इस अवसर पर गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायकगण महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोटेदार संघ के जिलाध्यक्ष श्री भागवत मिश्रा ने कहा, जब तक माँ उस बालक को अपनी गोद में ना ले। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर होता हुआ गुरु चरणों में शत शत नमन वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश का आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए जाने संबंधी समारोह में मंच पर आसीन परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को सादर प्रणाम, स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। दिगर का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम हम सभी अतिथि देवों की परिकल्पना को सार्थक कर आदरणीय आयुक्त महोदय खाद्य एवं रसद विभाग श्री सौरभ बाबू जी से सादर अनुरोध करते हैं, नमन करते हैं, क्लिक करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और ये लाभांश भारत सरकार और राज्य सरकार की दोनों के इनिशिएटिव से ये कार्य आरंभ किया गया है और 20 रुपए के लाभांश की वृद्धि की गई है। भले ही योजना ये लाभांश आपको छोटा लग रहा है, लेकिन राज्य सरकार का वित्तीय भार काफी अच्छा खासा है, 200 करोड़ रुपए के करीब इसका भार है। साथ ही हम लोग आप लोगों ने जितना कोरोना पीरियड में और बाद के
पीरियड में जितना खाद्यान्न वितरण किया है, ये वास्तव में एक सराहनीय पहल है WFP के द्वारा। उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न वितरण को विश्व का सबसे विशालतम खाद्यान्न वितरण प्रोग्राम माना है और ये वास्तव में एक अचीवमेंट है। जितना सिस्टम क्योंकि इसको लेने का अब इतना आदत हो गया है, ऐसे लग रहा बस महाराज जी यहाँ दी। हाँ, तो महाराज जी को देने के बाद महाराज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए अप्रैल 2020 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में भी इस योजना के अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक लोगों को निशुल्क डबल राशन वितरित किया जा रहा है और संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई भी भूखा न सोए को प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलो गेहूं चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो गेहूं चावल सहित 1 किलो चीनी प्रति माह निःशुल्क दी जाती है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा सभी कार्ड धारकों को 1 किलो चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक मुफ्त दिया जा रहा है। करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आकर के MOU का हस्तांतरण नींव का पत्र आप जारी करें। हस्तांतरण पत्र का आपस में MOU का हस्तांतरण होता हुआ के साथ इस क्षण को अद्भुत करें। समस्त हमारे विश्व विक्रेता आदरणीय आयुक्त श्री सौरभ बाबू जी खाद्य एवं द्वारा उचित दर विक्रेताओं को CSC के रूप में सक्षम बनाने हेतु MOU हस्ताक्षर के आज के इस कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश में उचित दर की दुकानों में शासन के द्वारा अब तक जो लाभांश उन्हें प्रति क्विंटल 70 रुपये दिया जा रहा था उसे बढ़ाने की जो कार्रवाई थी उसे आगे बढ़ाने के आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव के सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग श्री सौरभ बाबू जी, स्टेट हेड CSC श्री अतुल राय जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गोरखपुर जनपद के 1200 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित उचित विक्रेता से जुड़े हुए हमारे सभी विक्रेतागण, खाद्य विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित अन्य महानुभाव और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सबको कल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, आज भगवान भोलेनाथ का सावन का मास प्रारंभ हो रहा है, आप सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे इसकी कामना करते हुए आज जो यहां पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है जिसके माध्यम से प्रदेश के 80,000 राशन कोटे के जो दुकानदार हैं, उचित विक्रेता हैं, इन सब के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का एक अभियान है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जितने भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उचित दर के विक्रेताओं से ही
अपना खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, फ्री में या सस्ते में उन्हें खाद्यान्न प्राप्त होता है, लेकिन उस सब के बावजूद बहुत बार उचित विक्रेता, उचित दर विक्रेता के जो हमारे कोठेदार थे, उन सबको लोग बड़ी हेय दृष्टि देखते थे। आपके बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर तकनीक का अधिकाधिक उपयोग हो, इस पर अभियान प्रारंभ हुआ। 2017 के पहले ये उत्तर प्रदेश के लिए एक सपना था, लेकिन क्योंकि 80,000 राशन कोटी की दुकान हमारे पास थी, क्या संभव हो पाएगा कि 80,000 राशन कोटी की दुकान में हम एक समय सीमा के अंदर ई पॉस मशीन लगा लें? उस समय कुछ राशन कोटे के दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम क्या रहा कि 3 वर्ष के अंदर ही कोरोना महामारी के आगमन के साथ जब आपने प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा देना प्रारंभ किया, तो समय आपके सामने कोई संकट नहीं आया। और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 राशन कोटेदारों ने उचित विक्रेता, उचित दर की जो विक्रेता थे, इन लोगों ने प्रदेश के अंदर जितनी अच्छी व्यवस्था देने का कार्य किया उसकी सर्वत्र सराहना हुई। सौभाग्यशाली आप इसलिए भी हैं, हमारे भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में अन्न को ब्रह्म माना गया है और अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप उस दान के हकदार बन जाते हैं। पैसा सरकार दे रही है, पैसा सरकार दे रही है, सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन वह अन्न आपके माध्यम से गरीबों तक पहुंच पाता है। आपके, आपको जो श्रेय मिल रहा है उस श्रेय को ही ध्यान में रख करके हमारे माननीय सांसद ने कहा था कि देखिए हम भी इस कोटेदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए आपका लाभांश प्रति क्विंटल जो 70 रुपया था वह बढ़ा करके अब 90 रुपया हो रहा है, और यही नहीं, एक तो लाभांश आपका बढ़ रहा है और दूसरा CSC की सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। आपके दुकान के माध्यम से आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेंगे, आपको वहां पर ई स्टैम्प की सुविधा की, बिक्री की भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ वहां पर बैंकिंग सुविधा के साथ ही आपको सुविधा के साथ भी जुड़ना चाहिए, जिससे लोगों का लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों के साथ जब MOU आगे बढ़ेगा तो ये कार्यक्रम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएगा कि लोगों को बैंकों में न जाना पड़े, आपकी दुकान पे पैसा जमा हो और आपका पैसा, आप उस पैसे को वहां बैंक में वापस जमा करेंगे, लेन देन जो हो वहां पर हो और फिर वह बैंक के माध्यम से बैंक में आप स्वयं उस व्यवस्था को, बैंक स्वयं आपके माध्यम से कलेक्शन करें, और यही नहीं बिजली के बिलों को जमा करने का हो, बहुत सारे ऐसे सेवाएं हैं जिनको आपके माध्यम से सामान्य नागरिक को उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है और इससे आपकी इनकम भी काफी बढ़ेगी। यानी इनकम बढ़ाने और ईमानदारी के साथ कार्य करने का जो सुख है वह व्यक्ति के लिए एक अनुपम सुख होता है, क्योंकि बेईमानी से व्यक्ति कितना भी कमा ले लेकिन वह उसको कभी फपता नहीं है, व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहता है कि कब पता नहीं कौन छापामारी कर दे, कब कौन क्या कर ले। विगत 5 वर्ष के अंदर आज लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर
यानी देश के अंदर सबसे अच्छा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम किसी एक राज्य में हो रहा है सबसे बड़ी आबादी के बावजूद, तो उत्तर प्रदेश है। और ये हम इसलिए संभव रिस्पॉन्स सफल करने में इसलिए संभव हुए क्योंकि हम लोगों ने तकनीक अपनाया है, ई पॉस मशीन लगाई। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी है जो राशन कार्ड धारक यूपी के अंदर है, लेकिन वह उसके बदले राशन कार्ड से जब प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी तो राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का, लेकिन वह कार्यकर्ता है महाराष्ट्र में, पंजाब में या किसी अन्य राज्य में, गुजरात में, तो यहां का व्यक्ति है लेकिन राशन वहां भी ले सकता है, ये सुविधा भी उसको वहां प्राप्त हो चुकी है और बड़ी संख्या में है। ये बड़ी संख्या इसकी यूपी यानी यूपी के नागरिकों की है जो वहां जाके लेते हैं, और बाहर के भी अन्य राज्यों के जिन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ अपने आप को जोड़ा है उसमें भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दूसरे राज्यों के निवासी हैं, राशन कार्ड उन्होंने वहां बनाया है, लेकिन उसी राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में वे भी खाद्यान्न ले लेते हैं और आप भी उसमें वो सुविधा उनको उपलब्ध करवाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग खाद्य विभाग के साथ निराश्रित लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में, उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। कितना आशीर्वाद मिलता होगा आप लोगों को जब आप किसी निराश्रित बुजुर्ग को या निराश्रित महिला को या किसी दिव्यांग के घर में राशन लेकर के आपका आपके पास कोई सहयोगी जाता होगा, तो कितना आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि यह एक अनुपम शुभ जीवन का होता है, किसी गरीब की मदद करना, किसी निराश्रित की मदद करना, सेवा के उस परम धर्म के साथ आप जुड़ जाते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं और वह आपको पुण्य का भागीदार बना देता है कि सेवा सरकार की, कार्य भी सरकार का, लेकिन एक तो हर एक गरीब को बिना भेदभाव के आप अपनी सुविधा का लाभ दे देते हैं, दूसरा शासन की सुविधा को उन तक पहुंचाने के आप माध्यम बने हुए हैं, और तीसरा तकनीक अपनाने का हो सकता है उस समय विरोध हुआ हो लेकिन आज आपको लगता होगा जब तकनीक बढ़ाई गई तो आप सरकार ने भी उस तकनीक के साथ आपको ईमानदारी के साथ कार्य करने के साथ साथ आपके लाभांश को बढ़ाने और आपके यहाँ अन्य सुविधाओं को भी जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है, और ये दो कार्यक्रम आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन कोटेदारों को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटेदारों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, कोरोना भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, अभी कोरोना चल ही रहा है, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा जरूरतमंदों को राशन कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अकेले कोरोना कालखंड में लगभग 30,00,000 ऐसे राशन कार्ड जारी किए गए, और यही नहीं हम लोगों ने ऐसे लोग जो 1,28,000 से 1,30,000 तक थे, 1,30,00,000 तक ऐसे लोग थे जिन लोगों को कभी राशन की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई थी, उनको भी अब हम राशन कार्ड बनवा करके उनको भी राशन की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराना शुरू किया है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80,00,000,000 लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया, यानी एक बड़ा कार्यक्रम था ये, दुनिया के अंदर खाद्यान्न वितरण का सबसे बड़ा अभियान। 80,00,000,000 लोगों को 5 किलो खाद्यान्न प्रतिमा लगातार, और ये सितंबर तक है इसमें इस साल इस वर्षीय ये योजना भी, और राज्य सरकार ने भी 8 महीने 2020 में और 2021 में ये लगातार मई से लेकर के अभी चल रहा है। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर पर दिसंबर से पात्र गृहस्थी और अंत्योदय परिवार धारकों को राशन के साथ ही
एक किलो दाल, एक किलो रिफाइंड तेल, एक किलो नमक भी उन्हें उपलब्ध करवाना शुरू किया था और अंत्योदय परिवार के कार्ड धारकों को एक किलो चीनी भी उपलब्ध करवाया था। यानी आपने देखा होगा जिस भी परिवार में यह सामान गया होगा वो खुश हुआ, सामान की क्वालिटी आपने देखी होगी, दाल की क्वालिटी आपने देखी होगी। जो बाजार का सबसे अच्छा माल है, सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है अन्नदाता किसान के खेत का, वह अन्नदाता किसान के खेत का वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों ने फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लगातार उपलब्ध करवाने का कार्य किया। दाल हो, तेल हो या नमक हो, अंत्योदय परिवारों को एक किलो चीनी भी उपलब्ध करवाया गया जिससे उन जरूरतमंदों को उन सुविधाओं का लाभ दिया जा सके और संकट में जो खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है। यह साबित किया है कोरोना कालखंड में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा हर एक गरीब के साथ खड़ा होना, यह सरकार की इसी व्यवस्था का हिस्सा है और उसी व्यवस्था के तहत आज प्रदेश के 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स को हम लोग सीएससी की सुविधा से आच्छादित करने, हर एक राशन कोठेदार के लिए लाभांश की राशि को 70 रुपए से बढ़ा करके 90 रुपए करने की इस कार्रवाई को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन कोटे के दुकानदारों को इन दोनों सुविधाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं और मैं आप सभी से गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के सभी राशन कोटेदारों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि हर उस जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिए जो इसका हकदार है। और मैं कह सकता हूं कि इसमें तकनीक का उपयोग करना, आधार सीटिंग की कार्रवाई हो। हम लोगों ने लखनऊ में एक जगह बैठ करके हम देख सकते हैं कि कहां पे ई पॉस मशीन में गड़बड़ी हो रही है और उसके माध्यम से हम लोग फिर उस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की कार्रवाई को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे कदम और उठाए गए हैं जो हर जरूरतमंद को, हर गरीब को शासन के द्वारा उपलब्ध होने वाला खाद्यान्न उस तक पहुंच सके। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप सब सरकार के इस पवित्र मिशन के साथ जुड़ करके जो सरकार ने सामान्य दिनों के साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान भी करके दिखाया, हर महामारी का एक जो साइड इफेक्ट होता था वो ये होता था कि महामारी के बाद महामारी से जितनी मौतें नहीं होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद होती थी, भुखमरी से होती थी और उसके बाद क्या स्थितियां बनती थी। कोरोना ने तो एक बार जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को उसने पस्त कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश ने कोरोना प्रबंधन का जो कार्य किया वो आज हम सबके सामने है। हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी थी, भले को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार खड़ी थी, फ्री में राशन उपलब्ध करवाने के लिए शासन खड़ी थी। वर्षों पहले जो लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर के दूसरे राज्यों में जाकर के वहां अपना व्यवसाय या नौकरी पेशा कर रहे थे, कोरोना कालखंड में अगर उनका नौकरी पेशा या उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ, अपने गांव की तरफ आए, सरकार ने उनके स्वागत के लिए पावड़े बिछा करके उनका स्वागत किया और उन्हें राशन कार्ड और उनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के कार्य के साथ सरकार जुड़ी। आपने देखा जितने प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे उनके लिए जगह जगह हम लोगों ने 6 करोड़ से भी उस दौरान लंच पैकेट भी वितरण करवाए थे। खाद्य विभाग ने हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाया था और यही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश होकर के जाने वाला जो भी कामगार और श्रमिक रहा होगा, जरूरतमंद नागरिक रहा होगा, हरेक के लिए सरकार ने शुद्ध पेयजल के साथ साथ उनके लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था भी की थी और उत्तर प्रदेश वासी के लिए व्यवस्था की थी कि अगर कहीं बाहर से आया है उसके पास सुविधा नहीं है तो सरकार ने उस समय व्यवस्था दी थी कि उसे 15 दिन का राशन उसके साथ पहुंचाने, 1,000 रुपए उसको उपलब्ध करवाने के साथ ही अगर उसके बाद राशन कार्ड नहीं है
उसके लिए राशन कार्ड भी उस दौरान सरकार ने बनाने के इस कार्य को आगे बढ़ाया था। आज फिर हम इस बात को कह सकते हैं, सरकार प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने और उनके जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज का ये कार्यक्रम 80,000 कोटेदारों का होगा, लेकिन जो कोटेदारों के माध्यम से पारदर्शी खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम चलता है, इसका लाभ प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंदों को प्राप्त होता है और ये 15 करोड़ लोग भी आपकी इस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। साथ साथ सीएससी की सुविधा का लाभ प्रदेश की 80,000 दुकानों में उपलब्ध होगा, तो इसका लाभ प्रदेश के 25 करोड़ जनता भी उठाएगी। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को भी, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा 25 करोड़ लोग इस सुविधा के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि खाद्य विभाग और उत्तर प्रदेश के सीएससी के स्टेट हेड मिलकर के समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाने और राशन की जो हमारी दुकानें हैं इनके भी अपग्रेडेशन की कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे कि राशन कार्ड की दुकान, जो राशन उचित विक्रेता की दुकान है, इनको हम अच्छे व्यवस्थित तरीके से इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए भी सरकार एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही, जिससे प्रदेश में 25 करोड़ लोगों को उनके फेयर प्राइस शॉप से सभी उचित मूल्य में वस्तुएं प्राप्त हो सके और उनके आवागमन के मार्ग में भी किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। एक बड़ा कार्यक्रम है, इसके लिए पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और खाद्य विभाग के साथ साथ स्टेट हेड सीएससी और उनसे जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सभी कार्मिकों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश भर के सभी 80,000 जो हमारे राशन कोठेदार हैं, इन सबको आज लाभांश की राशि बढ़ाने और सीएससी की सुविधा से जुड़ने के लिए एक बार फिर से हृदय से बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। आप आए और धन्यवाद ज्ञापित कर अधिकारियों को आज के कार्यक्रम में समापन की घोषणा। मेरा नाम श्री भागवत मिश्रा, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर। मंत्री जी ने आज संबोधित किया, 20% लाभांश में वृद्धि किया। मुख्यमंत्री जी ने जो भी कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया है वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम किया है। उन्होंने जो पूरे कोटेदारों को सीएससी से जोड़ने का काम किया है, इससे गांव देहात के बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, कोटेदारों की आय में वृद्धि होगी, बहुत ही सराहनीय पहल है और ऐसा बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। और योगी जी ने कोटेदारों का जो हौसला बढ़ाया कि कोरोना काल में इनके द्वारा जो राशन वितरण किया गया है, योगी जी ही नहीं मैं बता दूं आपसे, योगी जी ने गोरखपुर जनपद के विकास के लिए जितने भी युवा टीम के अधिकारियों को माननीय रवि कुमार एनजी साहब के नेतृत्व में, रवि कुमार एनजी के नेतृत्व में लोग टीम गठित किया था, उन अधिकारियों ने यह जनता में साबित किया कि सरकार आपके दरवाजे पर खड़ी है और कोटेदारों के सहयोग से पूरा गोरखपुर जनपद की नौ सीटें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की झोली में डालने का काम किया है। इसके लिए गोरखपुर जनपद के जितने भी युवा टीम के अधिकारी हैं माननीय रवि कुमार एनजी साहब के नेतृत्व में और सारे कोटेदार बंधुओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद था। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, यह हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश वितरण के मामले में अगर दूसरा नंबर प्राप्त किया है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंदुस्तान में दूसरा नंबर की हैसियत वाले, पहला हैसियत तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है लेकिन दूसरा हैसियत योगी आदित्यनाथ जी का है और यह दूसरे नंबर के हैसियत वाले आदमी हैं और हिंदुस्तान में वितरण व्यवस्था में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त करता है, लेकिन पहले नंबर के व्यक्ति के राज्य में 150 रुपया गुजरात में कोटेदारों का कमीशन दिया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को मात्र 70 रुपया कमीशन और 20 रुपया कमीशन बढ़ा गया जो बहुत ही नाकाफी है। इस पर हम कोटेदारों को बहुत संतुष्टि नहीं है, लेकिन चलिए कुछ बढ़ा तो सही, लेकिन इसके साथ जो सीएससी जोड़ दिए हैं उसमें कोटेदारों को लाभ का अवसर प्रदान किए, यह बहुत ही सराहनीय काम हुआ है।